देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, क्या होना है। अभी तक आपका एंट्रेंस टेस्ट हो चुका है, आप आंसर की डिस्प्ले हो चुकी है पोर्टल पर। अगर आपने आंसर ऑफिशियल आंसर की, एक तो मैंने एक्सरसाइज डाली थी ना, वो थोड़े लर्निंग के लिए भी होती है कि कैसे मैंने सॉल्व किया था और कैसे सर सॉल्व कर सकते हैं, अगर बेटर लगता है ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक आंसर की है जस्ट राइट और रॉन्ग आंसर, वो इस साइड पर पड़ी है, तो उसको आप देख के अपनी मैचिंग कर सकते हैं। उससे कुछ नहीं पता चलेगा, सिर्फ आपको अपने लगभग मार्क्स पता चल जाएंगे। मार्क्स से सारा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको तसल्ली हो जाएगी, तो आपको आंसर की देख लेनी चाहिए अभी तक। नेक्स्ट स्टेप होना क्या है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शंस, अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन ठीक है लेकिन आंसर की में उसका आंसर गलत है, तो आपको वैलिड प्रूफ कलेक्ट करके, एकेडमिक प्रूफ कलेक्ट करके, बुक का जो भी रेफरेंस देके, और आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 59th का मैंने बी लगाया था, आपने सी लगाया है, तो वो राइट आंसर बी है। उसके प्रूफ जो है, एविडेंस जो है, वो साथ में ये भेज रहा हूं, इस बुक में वैलिड बुक उसका रेफरेंस देना है, उस बुक में उसका बी आंसर है। सो काइंडली मेरा ये इसको रिकंसिडर किया जाए कि क्या उसका बी है या सी है आंसर। तो ऐसे करके अगर एक दो तीन क्वेश्चन आपको लगते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही नेट से ही उठाए गए हैं, काफी क्वेश्चन ऐसे हैं, तो ऑब्जेक्शन अगर होती है, वो ऑब्जेक्शन आपने करनी है। करनी कैसे है, थ्रू ईमेल ओनली pbp@admissions साथ में है 2022@gnduac.in, मतलब पंजाब, bed admissions 2022@gndu.ac.in, यहां पर आप ऑब्जेक्शन अपने लिख सकते हैं। अगर किसी को ऑब्जेक्शन लिखने में प्रॉब्लम आती है, आप बात कर सकते हो, फोन नंबर दिया गया है, एक मैंने फोन नंबर दिया है, प्रिंसिपल है बीएड कॉलेज के, वो गाइड कर सकते हैं आप, अगर ऑब्जेक्शन या वर्डिंग या कुछ कोई आपको गाइडेंस चाहिए मिल जाएगी। ठीक, तो अभी तक ये करने के बाद आपका होगा नेक्स्ट स्टेप के डिस्प्ले ऑफ सीट्स एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल इन द कॉलेजेस। अब पंजाब में तीन यूनिवर्सिटीज हैं, तीन यूनिवर्सिटीज के ये कॉलेजेस होंगे, ये 6 अगस्त तक हो जाएगी, सैटरडे तक ना। अब ये देखिए कि तीन कॉलेज हैं, सॉरी तीन यूनिवर्सिटीज हैं, तीन यूनिवर्सिटीज में जो कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल हर यूनिवर्सिटी में कॉलेज डिफरेंट है, लगभग 50 के करीब इधर है ना, पंजाबी यूनिवर्सिटी में 90 से प्लस हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल में 60-70 के करीब है, लगभग आपके 60-70 से प्लस ही होंगे, एग्जैक्ट यह फिगर नहीं बता रहा हूं। तो इन कॉलेज से जो एफिलेटेड, इन यूनिवर्सिटी से जो बीएड कॉलेज एफिलेटेड है, उनकी लिस्ट होगी, और हर कॉलेज की लिस्ट के साथ उसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं मेजर, ठीक है, एक बात याद रखनी है, इस पर डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, मेजर और माइनर में फर्क है क्या है, सिर्फ एडमिशन के लिए है, बाकी बाद में बताऊंगा। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में जाना चाहते हो, और उस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आप कौन से कॉलेज प्रेफर करते हो, आपने प्रेफरेंस बनानी है। प्रेफरेंस बनाते हुए क्या करना है, ये है, आपने दो चीजों की प्रेफरेंस बनानी है, एक तो अपने 3, 4, 5, 8, 10 तक कॉलेज लिस्ट कर सकते हो कि मैं इन कॉलेजेस में प्रेफर करूंगी, और दूसरा अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की लिस्ट बनानी है। ये इस बात को जरा ज्यादा ध्यान से सुन लेना कि आप जब कॉलेज की जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, तो आपने कॉलेज का नाम कॉलेज पर ही फिक्स नहीं रहना, सब्जेक्ट को भी देखना है। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर प्रेफर किया है, तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहां कौन से हैं ये देखने पड़ेंगे। इट मींस आपकी प्रेफरेंस जो तैयार होनी है, जो सिर्फ कॉलेज से नहीं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से भी होगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर मान लीजिए हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, टीचिंग पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री है ना, तो
मान लीजिए कॉमर्स नहीं है ना, जिस कैंडिडेट ने गवर्नमेंट कॉलेज प्रेफर किया था मेरिट भी हाई आ गई है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में उसका कॉम्बिनेशन नहीं है, मान लीजिए नहीं है, तो नेचुरली है उसको सेकंड कोई ऑप्शन लेनी पड़ेगी। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर की एग्जांपल दी है, क्योंकि इसकी एग्जांपल क्यों देता हूं कि जलंधर ने पंजाब में ही ये पहले दूसरे तीसरे स्थान पर सबसे जल्दी फिल होने वाला कॉलेज होता है। तो ये देखना है नेक्स्ट जो भी आप कॉलेज प्रेफर करते हो उसमें देखना है आपका जो सब्जेक्ट की प्रॉब्लम थी और वहां मुझे जो कॉलेज मैंने प्रेफर करना है उसमें कॉलेज में लोकेशन भी आप प्रेफर कर सकते हो क्योंकि डिस्टेंस है, आना जाना है, ठीक। एक प्रॉब्लम अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग की चल रही है हर हालत में, गवर्नमेंट कॉलेज का भी प्रेशर है, इस बार अटेंडिंग ही होगी सब कुछ। अच्छा, तो ये कॉलेज प्रेफर करना है, अगर उस कॉलेज पहले कॉलेज जो आपने प्रेफर किया है, मान लीजिए कॉलेज नंबर 1 है, कॉलेज नंबर 2 है, कॉलेज नंबर 3 है, पहले कॉलेज में आपका कॉम्बिनेशन नहीं है तो रिजेक्ट हो गया, आप सेकंड कॉलेज को प्रेफर करोगे, वहां देखोगे मेरा कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, और आपके कॉम्बिनेशन एक नहीं होंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कई जनों के तो 10-10 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंटली भी बता दूंगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, ज्योग्राफी है ना, तो उसका एसएसटी भी बन सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी बनता है, मेजर सब्जेक्ट सिर्फ बोल रहा हूँ ना, उसका इकोनॉमिक्स भी बनता है, तो ज्योग्राफी जो पढ़ी है वो भी बनता है, जो सब्जेक्ट आपने मिनिमम 2 साल पढ़ा है वो आपका मेजर सब्जेक्ट बनता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कौन सी है। दूसरा है कि जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, ये आगे देखते हैं इधर को, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में आपको एसएसटी के लिए 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, रूल बता रहा हूँ, रूल डिफरेंट है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाब में 1 सब्जेक्ट ही सोशल साइंस का पढ़ा है तो एसएसटी आप ले सकते हो क्योंकि ये मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आपने देखना है आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, उसके रूल्स क्या है, आपको नहीं पता चलते मुझे बताइए, मैं रूल बता दूंगा, और अपना कॉलेज प्रेफर करना है, कॉलेज जो लिस्ट ये डिस्प्ले हो जाएगी उसमें से आपने ये देखना है कि उनमें से मेरे 5 या 10 जो कॉलेज मैंने प्रेफर किए हैं उनमें से मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्ट का है वो उस कॉलेज में है, इसलिए ये जो है डिस्प्ले की जाएगी 6 अगस्त को, ये आपका मेजर काम होगा, क्योंकि अब आपकी ये पर्सनल चॉइस है, यहां गाइडेंस की जरूरत होती है कि आपका फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज तो गवर्नमेंट मिल गया लेकिन आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो नहीं मिला जिसमें आप करना चाहते थे या जिसमें जॉब अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो यहां पर गाइडेंस की, टीचर एजुकेटर की गाइडेंस की जरूरत होती है। आप अपने नजदीक के कॉलेज में भी जा सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर कॉलेज अपने आपको ही प्रेफर कराएगा, लेकिन न्यूट्रल गाइडेंस आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। और प्रेफर अगर थोड़ा दूर कॉलेज पड़ता है या थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बेटर मिलता है तो प्रेफरेंस उसको देनी चाहिए, क्योंकि जॉब अवेलेबिलिटी के अनुसार आपने जो बीएड करनी है। दूसरी बात है कि जब आप रॉन्ग कॉम्बिनेशन से या उस कॉम्बिनेशन से कर लेते हो जिसकी इंपॉर्टेंस कम है जॉब के लिए, तो आपको दोबारा एडिशनल पेपर बीएड के देने होंगे, पेडागोजी ऑफ एसएसटी या पेडागोजी ऑफ हिंदी, वट एवर योर प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन आंसर। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस ये रहेगी आपके आने वाले जो अगले दिन है, तो ये डिस्प्ले होगी सीट से, कॉम्बिनेशन है कॉलेज है, आपने कॉलेज और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2 चीजें अपनी उसकी लिस्ट बना के रखो और उसके मुताबिक इसको यूज करना है। इसके बाद हो गया डिस्प्ले ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट ऑन वेब पोर्टल पंजाब BEDadmission.org पर 8 अगस्त को आ जाएगा, मंडे को 5 बजे तक। तो ये एंट्रेंस टेस्ट आपने एग्जैक्ट आ जाएगा, इस रिजल्ट और अब के रिजल्ट में फर्क क्या होगा कि अब आपको लगभग आपके मार्क्स पता है, मार्क्स की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, सारी इंपॉर्टेंस रैंक, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगी नहीं मिलेगी, जिस कॉलेज में लेना चाहते हैं मिलेगी नहीं मिलेगी, इस पर डिफरेंट वीडियो बना देता हूं। तो रैंक आपको पता चल जाएगा, रैंक इन रिलेशन टू क्या होगा, एक हो सकता है एक ओवरऑल रैंक हो आपका कि पंजाब में आपका कौन सा रैंक है, दूसरा आपकी कैटेगरी में के क्या रैंक है, मुझे नहीं पता कि आपकी कैसी ये डिस्प्ले होनी है, लेकिन ये बातें इंपॉर्टेंट है कैटेगरी में, और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या आपका रैंक है, ठीक।
इससे आपकी सीट डिसाइड होनी है। तो एंट्रेंस टेस्ट को आप रैंक ही देख लोगे, फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद अपडेशन ऑफ ओनली क्वालिफाइंग डिग्री मार्क्स बाय द कैंडिडेट्स फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल्ड देयर मार्क्स अर्लियर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये 9 अगस्त से 21 अगस्त तक, इसको समझ लेना चाहिए, ये सभी जनों के लिए नहीं है। जिन्होंने नहीं फिल किए होंगे, क्योंकि इन्होंने अलाउ किया था कि जिनके रिजल्ट नहीं आउट हुए तो जो कोई रिपेयर है, कुछ ऐसे केस है, वो एंट्रेंस दे सकता है। लेकिन बाद में नेचुरली है कि क्वालिफाइंग डिग्री के मार्क्स जो हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन है, जब पोस्ट ग्रेजुएशन के है ना मार्क्स, वो फिल हो रहे हैं, जिसके बेस पर आपकी एलिजिबिलिटी पता चलेगी। और बेशक आप टेस्ट क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन ये भी साथ में देखा जाएगा कि क्वालिफिकेशन आपकी पूरी है, तो वो फिल करने की 21 अगस्त तक डेट है। वहां तक ये ज्यादा डेट इसलिए दी गई है कि तब तक जिनके रिजल्ट आउट नहीं हुए हो जाएंगे, तो आराम से आप तसल्ली से इसको फिल करो, इसको मिस नहीं करना। तो नेक्स्ट होगा, फर्स्ट काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, साथ में ही चलेगी 9 अगस्त से 21 अगस्त तक, संडे तक। ऑनलाइन जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें क्या है मेन, कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग बाय कैंडिडेट फॉर मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड कॉलेजेस, ये करना है। मेरे ख्याल में इस पर डिफरेंट वीडियो बना दूंगा अलग से, कि आपने कैसे मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है और चॉइस फिलिंग करनी कैसे है। तब तक आपके पास आपका रैंक, कैटेगरी रैंक, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रैंक, जो भी यूनिवर्सिटी देती है मुझे नहीं पता, तो चॉइस आपने कैसे, कॉलेज को कैसे प्रेफर करना है, और आपके फैक्टर क्या होंगे चॉइस करने वाले, और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेटर या बेस्ट कौन से हो सकते हैं। 20 साल में यही करते आए हैं, कि आपको कोई भी ऐसी गाइडेंस चाहिए हो फर्दर आप बात कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो ये था प्रोसेस के अगले आने वाले दिनों में बीएड काउंसलिंग में क्या होना है, आपने क्या तैयारी रखनी है, तो अवेयर रहना है। इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट भी तैयार करने हैं, टेंशन नहीं लेनी है। साथ साथ में वीडियो डालता रहूंगा, पिछले वीडियो भी डॉक्यूमेंट के डाले हुए हैं, वहां से भी आप गाइडेंस ले सकते हो। तो नेक्स्ट कोई भी क्वाली हो तो वो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो एक डाल दूंगा कि क्या आप गवर्नमेंट कॉलेज में, जहां यहां आप एडमिशन लेना चाहते हो, वहां मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, टोटल नंबर ऑफ अपीयर कितने हुए हैं कैंडिडेट, टोटल सीट्स कितनी है, और ये प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। थैंक यू। डॉक्टर पीरस सिंह, लर्न टू एक्टिवाइज़।